नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल में हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खंडिया तहसील के अंतर्गत आने वाले सराय ममरेज थाना क्षेत्र के सरजूपट्टी गांव में दबंगों द्वारा रात में फायरिंग की गई। फायरिंग पीड़ित के घर के दरवाजे पर लगी। वहीं तहरीर के आधार पर सराय ममरेज थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया। सराय ममरेज थाना क्षेत्र के सरजूपट्टी गांव निवासी प्रार्थिनी मंजू देवी पत्नी अखिलेश सिंह ने बताया कि बीती रात करीब 3 बजे भोर में कोई आया और तेजी से घर का दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा नहीं खुला तो युवा रात दरवाजे पर फायरिंग कर दी गई। फायरिंग की आवाज सुनकर परिजन बाहर निकले तो देखा कि फायरिंग करने वाला युवक उनकी बड़ी बेटी का देवर करण सिंह पुत्र राम उजागिर निवासी ग्राम मौलानापुर थाना मीरगंज जनपद जौनपुर का है और करण सिंह के द्वारा ही प्रार्थिनी के दरवाजे पर फायरिंग की गई और गाली व धमकी देते हुए चला गया। बोला कि जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो, अगर नहीं करोगी तो मैं पूरे परिवार को एक एक करके गोली मार डालूंगा। प्रार्थिनी रहकर मजदूरी करता है जिससे पूरा का पूरा परिवार डरा सहमा हुआ है। सुबह होते ही प्रार्थिनी मंजू देवी के द्वारा सराय ममरेज थाने पहुंचकर आरोपी करण सिंह पुत्र राम पुजारी के खिलाफ लिखित तहरीर देते हुए कार्यवाही की मांग की। हमारे बड़ी बेटी के देवर आए थे और आई केवाड़ खटखटाई, केवाड़ हम सब नहीं खोले तो गोली चलाई के भगा जात रहा। तब हम सब केवाड़ खोले, तब सड़के पहुंच गया रहा। दो लोग रहे तब अपने पड़ोसी जाए के जगाए, तब वो आए, तब हमार जान बची। क्या नाम था उन लोगों का? करण सिंह, अब एक जने का नाम ना जाने। अच्छा, करण सिंह। हाँ, करण सिंह। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मंजू देवी। गाँव कौन सा है? सुरजीपट्टी थाना सराय ममरेज। प्रशासन से क्या मांग है आपकी? न्याय मांगे। न्याय मांगे। न्याय के लिए आप मांग करते हैं? हाँ, न्याय मिलना चाहिए। हाँ। ना सर, हमने यह देखा कि 2:45 पर गोली चली तो हमने उठा तो इतने पर मंजू देवी ने पहुंचा, कह रही है कि हमारे घर गोली आकर हमारी बड़ी बेटी का लड़का लड़का देवर ने गोली चलाया और चलाते हुए वह भाग रहा था। हम भी देखा गाड़ी से वह पूरब साइड निकला। कई लोग थे? 2:45। कई लोग थे उसके साथ? उसके साथ दो लोग थे। अच्छा, दो लोग थे। दो लोग थे और यहाँ पर हम आया तो देखा तो यहाँ दरवाजे में गोली अटकी हुई थी। उसके बाद 100 नंबर पर फ़ोन किया, थाना इंचार्ज, चौकी इंचार्ज, ये सभी आए, गोली को देखा, चौकी इंचार्ज ने गोली निकाल कर ले गए। अच्छा। और उसने 50,000 का डिमांड किया है कि 50,000 दो, सब मामला साल्ट कर देंगे। अच्छा, 50,000 की मांग भी कर रहा है? 50,000 का मांग भी कर रहा है। ये 50,000 की मांग कब किया था? चार पाँच दिन पहले 50,000 का मांग किया था, उसके बाद आकर गोली मारा है 4 तारीख को। अच्छा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम छोटेलाल। क्या है इनके? हम इनके जेठौत लगते हैं। अच्छा, कौन सा गांव है? पड़ोस में घर है, सरजूपट्टी ग्राम है। थाना? थाना सराय ममरेज, तहसील हंडिया, जनपद प्रयागराज।